हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कमल साबिया, स्वागत करता हूं आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपके फैमिली में, आपके परिवार में सब बढ़िया होंगे। आज दिन है मंगलवार और कोई भी काम करने से पहले भगवान का नाम लें तो पूरा दिन मंगलमय हो जाता है। तो इसी दिन के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन ब्लॉग के साथ। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरी घरवाली ने बच्चों के लिए खाना बना दिया है, तो मैं जा रहा हूं उनके स्कूल में खाना देने। रेडी कर दिया है कमलेश ने खाना, बस मैं टिफिन हाथ में लेके और निकलता हूँ यहाँ से। खाना कर दिया है रेडी कमलेश ने, ये रहे बच्चों के टिफिन। हेलो, आए है आए है आए है आए है, कैसे है, कैसे हो लूसी, खाना खाओगे, चलो देते हैं। अरे इनको कुछ डाल दे, रोटी वोटी डाल दे इनको, दो तीन गिर दे और डाल दे, डाल दो और दे। भूखी है, इसने कुछ खाया ना है, ला रहे हैं कमलेश, ला रही है, खा ले आराम से, ठीक है, बाय बाय। ओहो भाई साहब, बहुत तेज धूप हो रही है, छाता निकालने का मन कर रहा है, इतनी तेज धूप हो रही है। और मुझे आज काफी दिन हो गए हैं खेतों पे जाए हुए, तकरीबन 12 दिन होने को जा रहे हैं। मैं गया नहीं हूँ खेतों पर, टाइम ही नहीं मिल पाया कभी किसी काम से। 2-3 सॉन्ग्स भी आ रहे हैं मेरे, तो उनके शूट के चक्कर में भाई नहीं मिल पा रहा टाइम। आज जाऊंगा अपने खेतों पे, जाके देखता हूँ कि क्या हाल है। पापा ने देखभाल की है खेतों की, जाके देखता हूँ आज कि क्या क्या बोया है, क्या क्या नहीं बोया, कितना पानी दिया है। तो दोस्तों, यहाँ जहाँ पे मेरी बेटी पढ़ती है जिस स्कूल में, वो यहाँ के प्रिंसिपल हैं श्री छत्रपाल जी, और मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं तो फीस जमा करने आया था, लेकिन सर ने जो पूरे साल का हिसाब मुझे समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना मैं तो मंथ बाई मंथ करता था। तो सर मैं फिक्स कर देता हूँ साल के हिसाब से, और पूरे कैमरे का उन्होंने एकदम से स्टाइल ले लिया। पहले कैमरे नहीं थे स्कूल में, लेकिन अब कैमरे भी लग गए, बहुत अच्छा है। ये है स्कूल, इसी स्कूल में मेरी बच्ची पढ़ती है, ये क्लासेस हैं। भाई खाना देने के बाद बच्चों के स्कूल थे, अब मैं आ गया हूँ गाँव के सतान चौराहे पे। तो यहाँ पे ये तरबूज बेचने आ रहा है मेरे गांव का, ये भाई पहला तरबूज लिया, वो तो पिलपिला निकल गया, उसमें तो महक बन रही थी, मैं चाची ने भी लौटा दिया, मैंने भैया ये होना चाहिए। अब दूसरा कटवाया कति लाल, करण काट, करण कैसा है, मीठा है पक्का, भीम मीठा है, है। खटैयो पक्का, तुझे मेरी खत्म है बिल्कुल, लाल है। तो भी मजा आया खाने में, हाँ। पक्का ना, हाँ। चल अच्छी बात, अब तो ना खाएगा और नहीं। पेट भर गया, हाँ। भाई बहुत ही मजेदार तरबूज निकला है, इससे पहले वाला था सूत्रे में, ये समझ ले कितनी कहानी खराब है उसकी, तो अब ये वाला ठीक है। ले बाज, काफी दिन के बाद चाची के घर आया हूँ, जाके देखूं क्या हालचाल है, क्या चल रहा है, क्या कामदारी चल रही है। चूल्हा तो ऐसे ही है भाई, खाना वाना तो शायद बना लिया होगा, ये टफी भी ऐसे ही बंधा हुआ पड़ा है। चाची राम राम, सुनाओ क्या कर रही हो। नमस्ते 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 भाई, चाची तो हमारी मशहूर हो गई है, सब जानते हैं चाची को। चाची क्या देख रही है, हाँ इंस्टाग्राम देख रही है, कम से कम ये बेड पे तो थोड़ा रहम कर ले चाची, हैं ये दबा दिया गद्दा पूरा भाई, गद्दा पूरा दबा दिया चाची ने, देखे गद्दा में बैठते। हाँ ये बात भी ठीक है भाई, चाची कह रही है कि भाई साहब तेरे बाप की खरीद थोड़ा, ये गद्दा मेरे बाप की खरीद है, चाची के ब्याह को 22 साल पूरे हो गए हैं भाई आज, और 22 साल पहले ये बेड मिला था, आज भी ऐसे कैसे, लेकिन गद्दे में थोड़ा सा फर्क आ गया, पहले गद्दा फूला हुआ था, अब गद्दा पिचक गया, चाची का वेट भी तो बढ़ गया। समस्या ये है ना, और बोला कहां था राज, सही बात है, और बोला तो कुर्ते राधे श्याम तो ठीक है, पर कुर्ते पजामे पहन के कहाँ जा रहा भैया, यार एक बारात का निमंत्रण आया उसमें जा रहे। ओहो भाई साहब, पूरा पंडित जी महाराज हो रहा है, खड़ा हुई देखी कैसे कुर्ते पजामे देखी, ओ बेटे कुर्ते पजामे आज तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, चोटी दिखाई पीछे था, चोटी भी तो आनंद कह रहे, देखा देखा पीछे चोटी दिखा, घुमा सर, अरे ओ तेरी के कते जटाधारी बाबा हो रहा है, बारात में तो जा रहा है, लेकिन बीड़ी मत पियो वहाँ पे, पहले बता रहा हूँ तुझे, बीड़ी तो हम पहले रखे हैं, अरे यार तू तो कलेश ले बा, बिल्कुल चाची की बगल में आके बैठ गया, चाची की बॉडी देखियो भाई साहब इतनी तगड़ी है, चाची की बॉडी में थे ऐसे समझ लो भाई साहब मेरे तो कोई 15 हाथ बढ़ गए, 15 भाई साहब
ये समझ ले कि रीढ़ की हड्डी भी कर रखेगी इतने तगड़े हाथ है, पता ना चाचा कैसे जी रहा है चाची आज तो गांव के शैतान चौराहे पर चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां घूम रही है, बारात जा रही है। ओ ये है हमारे भाई, इधर आ गया, ये है श्याम भाई, प्यार से हम इनको मोनू बोलते हैं अब भाई पूरे हीरो बन रहे हैं वैसे, देखो ऊपर से नीचे नीचे, क्योंकि बारात में नंबर आ गया इसका, इसका बारात में नंबर आ गया, लेकिन समस्या एक होगी इसके साथ। इधर आइयो, इधर आ, नौ बारात में दे, अरे इधर तो आ भाई। आज जा रहे हैं हमारे गांव में से बहुत लोग बारात में, करण का नंबर आया नहीं है इसलिए उदास है। अरे करण जैसन बाउंसर, जैसन बाउंसर दिखा, जैसन दिखा। ओ ये भाई साहब वेस्ट इंडीज से आया है, ये जैसन होल्डर है ना, उसका भतीजा है छोटा वाला, ये हमारे गांव में रहता है इसलिए इसको प्यार से जैसन होल्डर का भतीजा बोलते हैं, वैसे प्यार से इसका नाम देखो। एक और इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलाते हैं, आप इधर आइए सर। भाई साहब हमारे यहाँ चल रहा है, हमारे क्या बल्कि इंडिया में ही आप सबको पता है, अब मई का महीना चल गया है, मई में कैसी गर्मी आती है आपको पता है। तो भाई साहब ये महानुभाव है, इन्होंने इतना बड़ा कोट पैंट पहन रखा, देखो इतना मोटा ऊन ही है, अंदर से एक शर्ट भी तो खाली है भाई साहब, इतनी गर्मी में भाई, इतनी गर्मी में कैसे जिएगा मुझे समझ नहीं आ रही है। ओ भाई साहब रजाई ओढ़ रहे, इसकी जगह कोई हो तो ना, रजाई इतनी गर्मी, इतनी ठंड खा रही है तुझे। चाची के घर से घूम के दोस्तों के साथ गपशप करके अब मैं वापस आ गया हूँ अपने घर खाना खाने। कमलेश तो उधर बर्तन मांज रही है, वहाँ खड़ी हुई है पीछे, अब मुझे लग रही है भूख, तो रसोई में जो खाना है वो मैंने खुद बना लिया है, खुद बना के अपना खा लिया है। और मैं खेतों पे निकलना चाह रहा था लेकिन खेतों पे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है, बाहर निकलते ही ना ये समझ लो कि काला साया सा पड़ जाता है, बिल्कुल आँखें चुंधिया जाती हैं अपने आप ही, और बहुत ही बुरी हालत हो जाती है बाहर जाने पर, तो मैं नहीं जा रहा हूँ बाहर, शाम को ही जा पाऊँगा। इससे बोला कि खाना दे दे, बोली बर्तन मांज लूँ पहले, अभी रुक जाओ। बर्तन मांजते मांजते भाई साहब उसके 20 मिनट हो गए, मैं कहा तब तक तो मैं आप ही खा लूँगा, ये अभी भी बर्तन ही मांज रही है, इसके बर्तन हो गए पता नहीं कोई बीमारी हो गई। अब देख गुस्से में जोर जोर से बजा रही है बर्तनों का, अरे आराम से कर ले। अब इस ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, तो कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग को मेरे को लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़, आप लोग अगर मेरे ब्लॉग को लाइक करोगे तो और भी ज़्यादा लोग इस ब्लॉग को देखेंगे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।